क्या दोस्तों आपकी भी मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, आपका भी फोन का इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है, तो मैं आज आपको गूगल क्रोम की कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको इनेबल करने के बाद आपकी बैटरी 3 से 4 दिन चलने के बाद आपका इंटरनेट पूरे दिन चलने वाला है। तो मेरे पे वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए बिना किसी बकचोदी का सीधा करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रोम को कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना। मेरे पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ढेर सारी सेटिंग मिल जाती है, उनमें से दोस्तों आपको सबसे पहला सेटिंग ये करना है सेफ ब्राउजिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन मिल जाता है। अभी ये नया नया फीचर आया है कुछ टाइम पहले, एक नो प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड वाला मिल जाता है, एक इनहेंस वाला मिल जाता है। तो इनमें से आपको कौन सा वाले पे रखना, अभी मेरा नो प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा कि मेरे फोन में बहुत सारी मैं फाइल डाउनलोड करूंगा, फोटोज वीडियोस डाउनलोड करूंगा या कोई जिप फाइल डाउनलोड करूंगा तो उसके अंदर छोटा मोटा वायरस भी आ सकता है। तो इसको यहाँ पे ऑन करने के बाद क्या होगा कि प्रोटेक्ट करेगा आपके फोन को और इससे आपके फोन के अंदर वायरस नहीं आएगा, जिससे आपका बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात ये कि आपका इंटरनेट, बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिसके मतलब इंटरनेट और बैटरी जल्दी खत्म कर देते हैं, तो यहाँ से आपका फोन का पूरा प्रोटेक्शन रहेगा। इसलिए आपके यहाँ पे इनहेंस प्रोटेक्शन को ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये हो गई हमारी पहली सेटिंग। चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी सेटिंग की। तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज योर सिक्योर कनेक्शंस, इसको आपको कर देना ऑन। देखो इसको ऑन करने से क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी ना जो सेफ वेबसाइट होती है ना भाई, आपको दिखाई जाएगी, ठीक है, गूगल क्रोम की ओर से या गूगल की ओर से, मतलब जो ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे मालवेयर वगैरह ज़्यादा होता है जिससे आपके फ़ोन को कुछ भी नुकसान हो सकता है, वायरस वगैरह आ सकता है, ऐसी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं जाएगी। तो आपको यहाँ पे इसको ऑन कर देना है जिससे आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा और आपके सामने जो सिक्योर वाली वेबसाइट होगी, सिक्योरिटी वाली, वही वेबसाइट आपके सामने शो होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले सेटिंग के बारे में। देखो उसी में हमारा अगला सेटिंग ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाता है डू नॉट ट्रैक। ये वाला सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे हिसाब से सारे मोबाइल के अंदर ये वाला सेटिंग बंद होगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। सबसे पहले हम इनेबल करते हैं फिर इसके फायदे जानते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, आप क्रोम ब्राउजर को साफ साफ बोल रहे हो कि भाई मुझे ट्रैक मत करो, ठीक है। इसलिए आप जितना भी सर्च करोगे जो भी देखना है देख सकते हो, आप बिंदास प्राइवेसी अपनी पर्सनल चीज़ें भी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा जिससे आपका पर्सनल डेटा सेफ रहेगा, और अगर आपको अगर किसी ने ट्रैक करने की या कुछ भी करने की कोशिश की तो इजी सी बात है आपका फ़ोन में कहीं ना कहीं वायरस या कुछ भी आ सकता है और यहाँ तक आपकी फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। आपका फोन का इंटरनेट आप बिना यूज नहीं करोगे, फोन को यूज भी नहीं करोगे तो भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपको डू नॉट ट्रैक को इनेबल कर देना जिससे आपका डेटा सेफ रहेगा, आपका कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये तो दोस्तों हमारा हो चुका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का कुछ सेटिंग। अब यहाँ पे उसके नीचे है सेफ्टी चेक पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों आपको 3 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक अपडेट का मिल जाता है, पासवर्ड एंड सेफ ब्राउजिंग का मिल जाता है। अब ये तीनों चीज़ें मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे नीचे चेक नाउ पे क्लिक करके आपको 7-8 दिन में एक बार चेक कर लेना। देखो यहाँ पे मेरा चेक हो रहा है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अपडेट है जो कि यहाँ पे राइट है, लेकिन यहाँ पे नीचे 2 में प्रॉब्लम है। तो ये दोनों आपको फिक्स करना होगा, अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन में या कहीं पर भी आपको कुछ भी दिक्कत आ सकता है, क्रोम से आप अगर पेमेंट वगैरह करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो यहाँ पे आ चुका है एरर, 2 में आ चुका है, कहाँ पर, पासवर्ड में आ चुका है और सेफ ब्राउजिंग में आ चुका है। तो अब इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके ठीक करना होगा, ठीक है। ये तीनों का तीनों राइट हो जाने चाहिए, अगर ये राइट नहीं है और कहीं ना कहीं इसमें कोई इश्यू आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी बैटरी और इंटरनेट ये भी जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट हो चुका। अब तीसरा वाला पॉइंट ये है, प्राइवेसी सिक्योरिटी का कर दिया मैंने, सेफ्टी चेक का कर दिया। अब नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन में दोस्तों ये सारी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के अंदर ऑन होगी, इसको आपको यहाँ से कर देना है बंद। क्यों बंद करना है पता है, क्योंकि दोस्तों आपका अगर कोई भी वेबसाइट पे जाते हो गलती से आप लोग अलाउ कर देते हो तो बहुत सारी वेबसाइट इतनी गंदे भी होते हैं जो कि आपको मैसेज करती रहते हैं गर्ल्स वगैरह, ऐसा मतलब लाइक फेक नोटिफिकेशन आता है। और दोस्तों अक्सर यही होता है आपके फ़ोन की 50% बैटरी है तो ये लोग खा जाते हैं भाई, हर 2-3 मिनट में एक एक नोटिफिकेशन देते रहते हैं क्रोम से, और फिर आपकी बैटरी और इंटरनेट दोनों जल्दी से खत्म हो जाता है। तो आपको ऑल क्रोम नोटिफिकेशन को बंद कर देना, ये वैसे भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आप लोग इसको बंद ही रखना। उसके बाद देखो दोस्तों हमारा अगला वाला और लास्ट वाला सेटिंग ये है थीम। अब ये सेटिंग से आपका 2 फायदा होगा, एक फायदा ये होगा कि आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और दूसरी बात ये कि आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगी और आपका इंटरनेट जल्दी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ पे नहीं करना है, लाइट पे भी नहीं करना, आपको करना है डार्क पे। देखो यहाँ पे मैं डार्क पे कर रहा हूँ,
देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है। इससे क्या होगा, आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और साथ साथ आपके फ़ोन की बैटरी 50% बैटरी तो यहाँ से सेव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे दिन क्रोम का यूज़ करते रहते हैं लेकिन थीम को वाइट रखता है, जिससे आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ बेसिक सेटिंग बताई है दोस्तों, जो आपको अपने फ़ोन के अंदर जरूर से करनी चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।